हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की पर्यटन की दृष्टि से सुदृढ़ करने व स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड की तर्ज पर 3 माह तक विंटर कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय व्यंजन, संस्कृति व साहसिक स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि कृषि के साथ साथ पर्यटन भी दूरदराज इलाके के लोगों के लिए साधन बन सके। इस बात का खुलासा जनजातीय एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे ने रामपुर में लोगों की समस्याएं सुनते हुए कहा। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग अटल टनल का लोकार्पण किया, उसके बाद लाहौल स्पीति देश दुनिया से 12 माह यातायात संपर्क से जुड़ गया है। ऐसे में जो पर्यटक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन्हें इस जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज व मनोरम दृश्यों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने बताया कि अटल टनल उद्घाटन के बाद लाहौल देश दुनिया से जुड़ चुका है। पहले सुविधाओं का अभाव था, बिजली, पानी, सड़कें सर्दियों में सुचारू नहीं रहती थी, इससे टूरिज्म प्रभावित हो रहे थे। अब सुविधाएं बहाल होने के बाद स्विट्जरलैंड की तर्ज पर 3 माह के लिए विंटर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पीति के कैमो गांव में रशिया और जर्मनी की तर्ज पर 12 माह पानी की व्यवस्था की गई है। 3 महीने के लिए हमारा जो है फेस्टिवल मनाया जाएगा और मैक्सिमम जो है बाहर के देशों से, विदेशों से लोग आना चाहते हैं, और ताकि हमारे टूरिज्म जो बढ़ावा मिले। डायरेक्टली जो है गोम्पा टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, और स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स है, हमारा रिलीजन, हमारा लाहौल का व्यंजन खाना, स्पीति का व्यंजन जो हमारा खाना है, उसको हम जो है सीधे डायरेक्टली जो है टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं, ताकि लाहौल स्पीति में अधिक से अधिक टूरिज्म वहाँ पहुँचे और लाहौल स्पीति की जो है कृषि के साथ साथ जो है दूसरा व्यवसाय जो है पर्यटन को बनाए, ये हमने शुरुआत की है।